सुपर टेस्टी सुपर यम्मी एक करी हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है और खाने में इतना मतलब बहुत ही टेस्ट है। चलो बिना देरी किए उसी को पहले हम बना लेते हैं। पहले आपको बॉयल्ड एग ले लेना है और एग का जो ऊपर छिलका है सारे हटा देना है। हटाने के बाद ना आप ना चाहते हो तो छुरी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे जो हमारा वेजिटेबल छिलका मतलब उतारने का था वो लेकर ऐसे कटिंग कर दोगे ना वो तो सुंदर लगेगा। एक कढ़ाई ले लेना। कढ़ाई लेने के बाद सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल जो भी ऑयल आप खाने में पसंद करते हो वो ले लेना। फिर एक एग ले लेना। एग हमारा थोड़ा सा कलर जब हो जाएगा मतलब ऑयल गर्म है, फिर उसके बाद हमारा एग डाल लो। फिर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी दोनों डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। अभी ये देखो हमारा एग कितना कलरफुल हो रहा है, मतलब समझ रहे हो देख रहे हो इतना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो रहा है ना। तो अभी उसी को निकालने का टाइम आ गया है, निकाल लेंगे हम। निकल के रख दिया है ठंडा होने के लिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो हमारा तेल में हमने डाला था ना उसी के ऊपर हम डाल लेंगे जीरा, फिर कटी हुई प्याज, फिर उसी को ना अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ना हमारा कलर आने के लिए टमाटर डाल लेंगे। टमाटर जब भी डालते हो ना तब कलर आ जाता है। उसी के बाद ना हम डाल लेंगे हमारा जो अदरक लहसुन और प्याज तीनों को पेस्ट करके हम डाल लेंगे हमारा एक के हिसाब से। जितना एक ले रहे हो उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा के कमा के कर सकते हो। फिर एक लहसुन ले लेना, फिर हमारा जितना भी सारे सूखे मसाला वो, फिर नमक हल्दी और मिर्ची का पाउडर, फिर हमारा जो चिकन मसाला था वो, कैडमम मतलब इलायची दालचीनी लौंग ले लेना दो दो करके। आप क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। फिर पानी डाल लेना, क्योंकि हमारा जो प्याज लहसुन अदरक है तीनों को ना पकने के लिए ना हमको पानी डालना चाहिए। पानी डाल लेना, ढक के पका देना बस दो मिनट। दो मिनट के बाद ना वो हमारा देखो मसाला अभी रेडी हो गया। अभी हमारा बॉयल हो गया आलू, और आलू डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो ऑप्शनल है। हमारा जो एग और दो मिर्ची बीच से कट करके उसी का जो फ्लेवर आएगा ना मतलब रेस्टोरेंट वाला आपको लगेगा, जो मिर्ची को हम कट करेंगे डालेंगे। अभी देखो ये दो तीन मिनट के लिए ना मतलब हो गया है। हम बना रहे एग मतलब कसा, मतलब ना पानी ना बहुत पानी ना बहुत सूखा, बस मीडियम से बहुत ही कम, ज़्यादा सूखा होगा तो ऐसे ही कर देना। करने के बाद ना पानी डाल के बस हमारा 10 मिनट ढका मतलब ढक के रख देना। रखने के बाद ना ये देखो मेरा हो गया है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ना ऐसे लाजवाब हो गया, फ़ोन पे मतलब कैमरा पे कलर नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही कलरफुल बना था बिना कलर के। आप फिर उसी के बाद आप धनिया का पत्ता है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी हम लगता है। चलो अभी हमारा हो गया रेडी, करते खाने के लिए। बहुत ही यम्मी दिख रहा था, बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा था। रेस्टोरेंट से भी ऊपर है, ट्राई नहीं किया था, जल्दी जाओ ट्राई करो और खाना खाओ और घर पे भी सबको खिलाओ। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर देना। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।